हमारा काम क्या था, मैं क्या। उसी कुरान उठा करके देखो मेरे नबी का खून छुपा हुआ उसके अंदर है, उसी सहाबा इकराम का खून छुपा हुआ है कुरान के अंदर। आज हमारे सामने से कुरान दूर हो गया, फिर भी हम कहते हैं बहुत बड़े हम मुसलमान। आज हमारे माँ बहन से पर्दा उड़ गया, फिर भी हम कहते हैं मुसलमान। आज इस्लाम कहां पहुंच चुका है भाई, दूसरे को क्यों हम गाली देते हैं, अपने आप को गिरेबान में झांक के मार के देखें। जो हम कितने नबी का काम करते हैं, नबी का उम्मत या उम्मत बने या नहीं सके, गिबत में हम तो है ही नहीं भरा हुआ, चुगली में, बुराई में, फैसाई में, शराबी में, हरामी में, सभी में हम मुसलमान लगे हुए भरे हुए हम हैं। क्यों अल्लाह का अजाब आएगा नहीं, क्यों अल्लाह ने जिल्लत हमें देगी नहीं, क्यों अल्लाह इंसान के सामने हमें रिश्वा क्यों करेंगे नहीं। आज तो होएगा हमारे, और होता ही है। एक नौजवान को पूछो, किसी नौजवान को पूछा जाए भाई हमारे नबी का कलमा क्या है, उसका जुबान से कलमा आएगा नहीं। इतना पूछो हम कौन से नबी का उम्मत है, उसको भी मालूम नहीं है, फिर भी कहते हैं मुसलमान है, फिर भी कहते हैं हम मुसलमान हैं। आज मस्जिद खाली है, फिर भी हम मुसलमान हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह के वास्ते इसी इलाके के मुसलमान भाइयों से मेरी गुजारिश है, इतने बड़े इंतजाम अगर किए हैं अल्लाह और उसके रसूल की दीन की बात सुनने के लिए, अपने घर में बैठे रहेंगे, यहाँ मजलिस खाली है, ये बेअदबी की बात है। अल्लाह के वास्ते जो जहां भी है मजलिस में आके बढ़ जाए। उलमा आए हैं बहुत दूर दराज से आपकी खिदमत में, आप बिस्तर पर बैठेंगे, आप दुकान में बैठेंगे, चाय के दुकान में, घर में, हमें भी शर्म होना चाहिए, आपको तो नहीं हमें शर्म लग रहा है। ये मजलिस खाली है, औरों का अगर किसी मजलिस होता तो यहाँ पर अभी जगह नहीं रहता, और कोई आ जाता तो वहां पर जगह नहीं रहता, वहां पर लाइन लग जाता, पहले बैठने में चार में जाकर के पिंडाल में बैठने में लग जाएगा वहां पर। लेकिन दीन इसीलिए तो हमारे सामने से दूर है। आज हम कहां पहचानेंगे सहाबा इकराम की अजमत, और नबी को हम कहां पहचानेंगे जो हमारे नबी हमारे लिए मेहनत किए है। अल्लाह का कलाम मेरे सामने आया है, क्या कसूर किया अल्लाह का कलाम ने जिसको हम छोड़े आए। हमारा बच्चे भी जानता नहीं, हम भी जानते नहीं, माँ भी जानती नहीं, बहन भी जानती नहीं, क्यों कलाम अल्लाह ने क्या काम किया हमारा। मेरे भाइयों, दोस्तों, नौजवानों, साथियों, अल्लाह के नबी के जमाने में एक सहाबी रो रहे हैं घर में बैठकर, एक बच्चा आए 6-7 साल उम्र होगा उसकी, आगे कह रहे अब्बा जान तुम क्यों रो रहे हो। कहने लगा अल्लाह के नबी का आवाज आ रहा है उस जहाद में जाने के लिए, अगर तुम जहाद में जाओगे तो जन्नत मिलेगा, रहमत मिलेगा, मगफरत मिलेगा, ना अब्बा जान तुम चले जाओ। 6-7 साल या 8 साल उम्र होगा बच्चे का, लेकिन उसकी माँ नहीं सिर्फ बाप है खिदमत करने वाला, और वो बच्चा बाप को बाप ही समझता है तो बाप को माँ भी समझता है। ना बच्चे अगर हम चले जाए तो तुम्हारा कौन खिदमत करेगा, ना अब्बा तुम जहाद के मैदान से जन्नत रहमत लेकर के आ जाओ, हम अपने घर में खुद रह जाएंगे। बाप का दिल भर गया, मचल उठा, कहने लगा अच्छा बच्चा चले। बाप ने चल दिए, अपने सवारी में उड़ गए, बच्चे को भी गोद में सामने सवारी का बैठा लिए घोड़े के ऊपर, बच्चे थोड़ा आगे चलो, तुम्हें छोड़ दे और तुम आ जाओगे घूर के वहां से सामने से, थोड़ा हमें भी थोड़ा आगा करके आ जाओ। 7 साल का बच्चा बाप को जहाज के लिए भेज रहा है जन्नत लाने के लिए, क्या मालूम है बाप घूर के आएंगे जहाज में चले जाएंगे, बहादुर की काम था। बाप ने उस काम में बैठा कर लेके चले जा रहे हैं, आसमान की तरफ देखते हैं, रोते हैं, बच्चे को देखते हैं, बच्चे को उतार दिए, बच्चे चले जाओ, ज्यादा अगर तुम चले जाओगे दूर तो रास्ता खोज के घर नहीं पाओगे, बच्चे यहाँ से सीधा चले जाओ, वो तुम्हारा घर है। बाप जा रहे हैं, पीछे देखते हैं, बच्चे भी देखते हैं, बच्चे ने आवाज लगाए थे अब्बा हम तुम्हारा बहुत इंतजार करेंगे, अब्बा जान तुम घूर के आओगे, अब्बा हम तुम्हारा बहुत इंतजार करेंगे। दिन के लिए चले जा रहे हैं बच्चे को छोड़ के, बच्चे पीछे से कह रहे हैं अब्बा जान तुम्हारे लिए बहुत इंतजार करेंगे। चले गए जहाज के मैदान में, चले गए, कई दिन के बाद जहाज खत्म हुआ, पड़ोस
हमें गांव में खबर हुआ तमाम आ रहे हैं, अल्लाह के नबी भी घूम के आ रहे हैं, जिहादी लोग भी आ रहे हैं, बच्चे को खबर हुआ, ये बच्चे 6-7 साल का क्या मालूम दौड़ के जाके खड़ा हो गया। और जिनके जितने सब जिहाद में गए थे, किसी के माँ, किसी के भाई, किसी के दादा, सब जाकर के रास्ते में खड़े हुए हैं, बच्चे भी जाकर के खड़ा है, तो मेरे अब्बा जान आएंगे गोद में लगा लेंगे। तमाम आ रहे हैं, एक एक आते हैं, सबका गले में, किसी के गोद में कहीं पर बैठ जाते हैं, आखिरी में कोई नहीं, अल्लाह के नबी आ रहे हैं, बच्चा देखते हैं अब्बा कहा, दौड़ के बच्चे को क्या मालूम अल्लाह के नबी का हाथ पकड़ के, अल्लाह के नबी हमारा अब्बा जान कहा। अल्लाह के नबी कुछ बोले नहीं, अल्लाह के नबी का आंखों से पानी जारी हो गया, बच्चा देख के समझ गया कि मेरे अब्बा नहीं खत्म होगा, नबी का आंखों का पानी उसने बता दिया जो मेरे अब्बा नहीं गुजर गए। बच्चे ने कहे थे अब्बा तुम्हारा बहुत इंतजार करेंगे, 6-7 साल का बच्चा, मां नहीं बाप से चले गए, बच्चे हाथ छोड़ा और चले गए, सीधे जंगल में जाकर बैठ गए। अल्लाह के नबी कई दिन के बाद जहाज से आए, अपने घर जाएंगे नहीं, बच्चे यतीम के पीछे दौड़े दौड़े गए, बच्चे भी जाकर पकड़ लिए कि बच्चे तुम्हारा अब्बा का हमने अपने हाथ से जनाजा पढ़ाया, अपने हाथ से नहलाया और उसे जनाजा पढ़ा करके आए, तुम आ जाओ बच्चे, हम तुम्हारा बाप है, ऐसा तुम्हारी माँ है। बच्चे तो खुश हो चुका है, लेकिन बाप का सीने में जब तीर लगा, याद करो बच्चे के लिए तड़पते थे या नहीं, उस जहाज के मैदान में बच्चे ने कहा था कि अब्बा तुम्हारा हम इंतजार करेंगे, तुम दौड़ कर आ जाओगे जन्नत और रहमत लेकर के, बच्चे ने भेज दिया। आज वो दिन हमारे सामने से निकल गया। अरे इतने तो आप जहाज करने के लिए आप लोग को नहीं कह रहे हैं, अरे अजान सुनो तो अल्लाह हक पर अल्लाह सबसे बड़ा है, हैया ये सिला और नमाज के लिए, मां उठा दे, बहन उठा दे, जाओ मस्जिद से आवाज आ रही है अजान के लिए, नमाज के लिए, कामयाबी के लिए। कभी उठाए हैं कोई माँ, कोई बहन, कोई भाई, न किसी घर वाले को उठाए, अजान हो चुका, उठो सुबह के नमाज पढ़ लो, ऐसा की नमाज पढ़ लो, कभी नहीं बताए। उसने जिहाद की तो दूर की बात है, मुसीबत आया दौड़ के फौरन डॉक्टर के पास इलाज करने के लिए हम दौड़ के चले गए, जाके डॉक्टर का गोली खा लिया, दवा खा लिया, हाँ बहुत अच्छा डॉक्टर ने भला कर दिया, तेरे बाप का क्या ताकत है उस डॉक्टर का, अगर अल्लाह का हुक्म ना लगता उसमें शिफा नहीं होता। करने धरने वाला का जात का मालिक एक ही अल्लाह है, इज्जत का मालिक, जिल्लत का मालिक, सारे कायनात का मालिक अल्लाह है, तुम्हें खिलाता है, पिलाता है, आज तुम्हें अल्लाह ने हाथ दिया, पैर दिया, तुम्हें अंधा नहीं बनाया, जाकर उसी इंसान से पूछो जिसके अंधे जो हाथ दोनों आंखों की, उसे क्या तकलीफ हो रहा है, जाकर उसी इंसान से पूछो जिसका पैर नहीं कटा हुआ है, उसे क्या तकलीफ हो रहा है, तुम तो खाते हो 3 टाइम, घूरते हो, तुम्हारा कोई तकलीफ भी नहीं, फिर भी तुम अल्लाह के घर की तरफ भूल जाते हो। एक चौपा, एक जानवर, कुत्ता, उसे कितना भी मारो फिर भी वो वफादार तुम्हारा है, एक वक्त खाने दे देने से वो तुम्हें भूलता नहीं है, मेरा मालिक है। रात को कितने रात में भी तुम आ जाओ तो आवाज लगाता है ढा करके, फिर उसके बाद देख लेता है ये हमारा मालिक, उसके बाद वो अपने आप को धूम मोड़ करके वो दिखाता है कि मेरा मालिक है, बस अपने आप को शरण करता है, वो अपने रास्ता दिखा देता है कि मेरा मालिक आ गया। तुम इंसान इतने बड़े गद्दार अल्लाह के, तुम खाना खाते हो 3 टाइम, अल्लाह ने आंख दिया, हाथ दिया, पैर दिया, कान दिया, समझने के दिया, फिर भी तुम अल्लाह का शुक्रिया अदा करने भूल गए मुसलमान, शर्म होना चाहिए। इतनी बड़ी मजलिस है, ये मुसलमान है, कहां है भाई आप लोग, आप लोग की कोई जरूरत नहीं है, इतने बड़े गांव कहां है आप लोग, कितने रात में आएंगे, उलामा बैठे हुए हैं आप लोग के इंतजार में। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, ज्यादा वक्त हम नहीं लेंगे, और भी एक बच्चा मदरसा का है ऊपर, तो उसको भी 10 मिनट हमारी टाइम उसको दिए हैं, और 10 मिनट के अंदर अंदर इंशाल्लाह मुफ्ती हमारे तजमुल साहब इंशाल्लाह आ चुके होंगे, उनका टाइम दिया है 9:30 बजे, और उसके बाद इंशाल्लाह हमारे मुफ्ती हैया साहब फिर हैं, तो जहां भी रहें मुफ्ती तजमुल साहब बराए मेहरबानी के साथ जितना जल्द हो सके आप तस्वीर आ जाए।